इसलिए अंबेडकर यदि हिंदू के रूप में पैदा हुए थे जैसा कि वो मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो हिंदू के रूप में ही मरे, वो बौद्ध के रूप में नहीं मरे। ये बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है और किसी माई के लाल में ये दम नहीं है जो इस बात को गलत सिद्ध करके बता दे। अब अंबेडकर जी का दूसरा आदर्श वाक्य सुन लो, बड़ा प्रसिद्ध आदर्श वाक्य है। कहते हैं कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं क्योंकि वो मेरे वश में नहीं था, मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे वश में है, मेरे हाथ में है। ये उनकी लाइन है, उनकी पंक्ति है, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं। वो मानते हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं। अब जो अंबेडकर के अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनको आदर्श अपना मानते हैं, उनके वाक्यों को प्रमाण मानते हैं। अब जरा वो सुनो ध्यान से, वो कहते हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, तो अब सुनो, जो चीज जिस रूप में पैदा होती है वो चीज उसी रूप में मरती भी है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है, प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। जो चीज जिस रूप में पैदा होती है उसी रूप में मरती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पैदा हुआ तो कुत्ता और मरा तो वो गधा बन गया, ऐसा होता है क्या? पैदा तो हुआ आम और जब वो नष्ट होने लगा तो वो अमरूद बन गया, ऐसा होता है क्या? पैदा हुआ तो गेहूं और जब पिसने लगा तो वो जौ बन गया, चना बन गया, ऐसा कहीं होता है? जो भी पदार्थ जिस रूप में पैदा होता है वो उसी रूप में मरने के लिए बाध्य है। ये उसके हाथ में नहीं है, पदार्थ के अपने हाथ में नहीं है कि वो जिस रूप में पैदा हुआ है उस रूप को छोड़ करके अन्य रूप में वो परिवर्तित हो जाए मरने से पहले। अंबेडकर जी इस बात को मानते हैं कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये लिखा हुआ है। तो जब हिंदू के रूप में पैदा हुए तो अब ये उनके हाथ में नहीं था कि वो मरते हिंदू के रूप में मरे नहीं और किसी दूसरे रूप में मरे, ये उनके हाथ में नहीं था। वो मरे तब भी हिंदू ही थे, लेकिन केवल उन्होंने अपनी बुद्धि बदल ली, उन्होंने अपनी बुद्धि बदल ली कि अब मैं हिंदू नहीं रहा। अरे भाई, तो बुद्धि का तो क्या ठिकाना है? कोई कहे हम मनुष्य नहीं है, हम जानवर है, तो उसको क्या कह सकता है? वो जो हो गए भाई जानवर, कहते हैं तुम बंदर से पैदा हुए हो, हुए हो गए पैदा, तुम पैदा हुए हो गए, हम तो नहीं पैदा हुए बंदर से। तो अंबेडकर जी ये मानते हैं कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरे वश में है कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। नहीं नहीं, ये भी आपके वश में नहीं, आपके क्या किसी के वश में नहीं है? अगर किसी के वश में हो तो करके बताओ। आपने ये जब कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, तो आपने मान लिया कि जो भी चीज जिस रूप में पैदा होती है उसी रूप में रहती है। कोई संसार का पदार्थ उठा करके देख लीजिए। तो इसलिए अंबेडकर जी, आप जीवन भर हिंदू ही रहे, लेकिन आपने एक भ्रम पाल लिया कि हम हिंदू नहीं। और आपकी तरह आपके जो लाखों अन्या लाखों नहीं चाहे करोड़ों अन्यायी थे, उन सब ने भी ये भ्रम पाल लिया कि वो हिंदू नहीं। तो भ्रम का तो कोई इलाज है नहीं, भ्रम का कोई उपाय नहीं है, कोई चिकित्सा नहीं है। किसी को भ्रम हो जाए उसको वहम बोलते, बोले वहम का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो किसी को, उनको ये वहम हो गया कि हम हिंदू नहीं रहे, तो भैया इस वहम का तो कोई इलाज किसी के पास है नहीं। अंबेडकर जी की जो बात है वो टोटली अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है। अब बड़े भारी वैज्ञानिक बनते हैं, विज्ञान पर कोई मेरी इस बात को, अंबेडकर जी की इस बात को कोई सिद्ध करके बताए कि जो जिस रूप में पैदा होता है उस रूप को छोड़ करके तब वो दूसरे रूप में मरता है। ये जो प्राकृतिक सिद्धांत है इसको सिद्ध करके कोई बताए। मैं ये मानता हूं ये प्राकृतिक सिद्धांत है कि जो वस्तु जिस रूप में पैदा होती है वो वस्तु उसी रूप में मरती है। इसलिए अंबेडकर यदि हिंदू के रूप में पैदा हुए थे
जैसा कि वो मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो हिंदू के रूप में ही मरे, वो बौद्ध के रूप में नहीं मरे। ये बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है और किसी माई के लाल में ये दम नहीं है जो इस बात को गलत सिद्ध करके बता दे। देखते रहिए धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य।